हाँ, और फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के भी बारे में बात किया. हम सभी को पता है कि वी आर लिविंग इन अ न्यू लिबरल एरा. ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया है बाय द अमेरिकन सिस्ट अमेरिका, वी हैव सीन कि यहाँ पे बात किया जाता है कि देर शुड बी फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स विच शुड प्रिवेल, और ये सब फोर्स किया जाता है थ्रू यू नो इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. Welcome all of you for the newspaper analysis of 4th of April. So, हम Indian Express और The Hindu के कुछ important editorials के बारे में पढ़ेंगे. And I have to say this, आज बहुत ही अच्छे editorials The Hindu और Indian Express में आए हुए थे. So, start करते हैं पहले editorial से. Alright, जो first editorial हम आज discuss करने वाले हैं, इसका title था The Demographic Window. And इस आर्टिकल का अगर ओवरव्यू की बात करें, सो हम सभी को पता है कि किसी भी सोसाइटी या कंट्री के राइज में उसकी डेमोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. हिस्ट्री में हमने बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा देखा है. अगर ब्रिटेन के राइज की बात करें तो उसके पॉपुलेशन का रोल उसमें बहुत अहम था. फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी के राइज में भी उसकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल था, और सिमिलरली जापान के एक्सपीरियंस में भी पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था. अभी की अगर माने तो हमें पता है कि इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेस में है, और यू नो हमारा जो डेमोग्राफी है हमारे लिए पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा यंग है अभी, इट्स इन ए यूथफुल स्टेज. मतलब जो हमारे लोग हैं वो अभी उस एज में है जहाँ पे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है. फॉर एग्जांपल अगर एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन 25 ईयर्स और 65 ईयर्स के बीच में है. सो ये सारे लोग जो हैं ये सभी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है. सो इसी चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है, और कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सो देखते हैं क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस विच आर बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल, एंड इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन में वी हैव टू थिंक अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव, एंड दिस आर्टिकल हैज़ दैट. इट इज़ टेलिंग अस डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया विच इज़ हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, एंड ऑल्सो जब वो ख़त्म होने वाला होगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं. ठीक है, so as you can see you know इस article में बात किया गया कि India must prepared to make the most of the opportunities arising from fall in fertility rate and that to deal with its challenges. So इस article में एक specific point highlight किया गया है कि अभी India में fertility rate जो है वो decline हो रहे हैं. दो ये डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग है. फॉर एग्जांपल यूपी और बिहार में अभी उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है, बट साउथर्न स्टेट्स लाइक केरला और तमिलनाडु और इवन नॉर्थर्न स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश और दिल्ली विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे भी फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है. सो इस फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन होने से इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं जो कि इस आर्टिकल में बात किया गया है. वो क्या है जरा देखते हैं. अभी लैंसेट का एक रिपोर्ट आया है. लैंसेट की एक रिपोर्ट में बात किया गया कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.29 हो जाएगा 2051 में, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. उसमें हुआ क्या, आप सभी को पता होगा दोज़ आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज कि एक सोसाइटी का रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है 2.1. मतलब अगर एवरेज फीमेल 2.1 चिल्ड्रंस को जन्म देती है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट कि एवरेज निकाला जाता है फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, तो उस केस में क्या होता है कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी. सो इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1.29 हो जाएगा 2051 में. इसका मतलब उस टाइम के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, और यूएन की पॉपुलेशन ने भी यही एस्टिमेट किया था. इन्होंने बोला कि 1.7 बिलियन पॉपुलेशन पीक करेगा इंडिया में 2065 में, और उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. ऑलराइट, सो इट मींस कि तब तक इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू रीप दिस डेमोग्राफी, अगर हम अपनी पॉपुलेशन को एक बेटर एजुकेशन सिस्टम्स, सोशल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हम अपनी पॉपुलेशन के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे. अदरवाइज़ अगर हम ये चीज़ें नहीं दे पाते हैं
तो वही पॉपुलेशन नेगेटिव आउटकम्स भी हमें दे सकती है. हमें पता है कि अगर यूथ को प्रॉपर एजुकेशन या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ ना मिले सो दे कैन गो इनटू मेनी बैड थिंग्स सच एज नक्सलिज्म. और आप सभी को पता है कि जो लोग नहीं इतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो गलत कामों में भी हिस्सा ले सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर्टिकल में ये भी समझाया गया है कि इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हुआ था उसके फैक्टर्स थे. सो देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन इंडिया में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला स्पेशली आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स. वी नो दैट कि आफ्टर 1991 जब हमने बीओपी क्राइसिस को फेस किया उसके बाद से इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे और उसके बाद इंडिया का बहुत तेजी से ग्रोथ होता है स्पेशली आफ्टर 2000. हमने कॉन्स्टेंटली 8-9% का जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिला. उसकी वजह से क्या होता है जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है एजुकेशन लेवल बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है फर्टिलिटी रेट कम होने लगता है. जब लोग पढ़े लिखे होने लग जाएंगे तो क्या होगा फर्टिलिटी रेट अपने आप ही कम होने लग जाता है. एट द सेम टाइम एक और चीज़ हुआ था जब सोशल फैसिलिटीज लोगों को मिला बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन तो लोग एक तो समझदार हुए पढ़े लिखे हुए तो उनको समझ में आया कि फैमिली छोटी होना इज बेटर थिंग फॉर देम रेदर देन गेटिंग अ लार्जर फैमिली. ऑल्सो जब हेल्थ फैसिलिटीज होता है तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी में भी रिडक्शन देखने को मिला. इट मीन्स कि जो बच्चे पहले यू नो पैदा होते समय मर जाते थे या फिर 5 ईयर्स की एज के अंडर उनकी डेथ हो जाती थी वो भी कम हो गया. सो उससे क्या हुआ कि अब फैमिली में ये डर खत्म हो गया कि हमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है क्योंकि जो ऑलरेडी बच्चे थे वो सस्टेन करते थे. पहले ऐसा नहीं होता था. मेरे को अपनी फैमिली का ही पता है मेरे पेरेंट्स लोग बताते हैं कि उनके सिबलिंग्स ही मतलब जो पेरेंट्स थे उस समय साइकोलॉजी था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने क्योंकि ज़्यादा बचते नहीं थे. सो इंडिया में ये चीज 70s 80s 90s के बाद चेंज होने लगा. सो इसलिए भी हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा था. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द विमेंस एजुकेशन. एज यू कैन सी हियर विमेंस एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस था गवर्नमेंट का. तो जो विमेन एजुकेटेड होती हैं तो समझ में आता है कि यू नो ज़्यादा एक तो जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है सोसाइटी में कि वेमेंस का से इतना नहीं रहेगा वो भी कम हो जाता है और वेमेन कैन टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व. अगर एक फैमिली में चाइल्ड को पैदा करना है तो वेमेन उसके बारे में बोल सकते हैं दे कैन टेक देर ओन डिसीजन. इट्स नॉट जस्ट अ मैंस अफेयर. दैट्स वॉट एंड दैट्स हाउ वेमेंस एजुकेशन लेड टू डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट एंड ऑल्सो वेमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट. ऑलराइट, सो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट इंडिया का डिक्लाइन हुआ. नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल इम्पैक्ट्स इट हैज ऑन आवर सोसाइटी. एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑथर ने डिस्कस किया है इसमें कि जब टोटल फर्टिलिटी रिड्यूस हुआ तो उससे क्या होगा हमारी कंट्री में देर विल बी अ फॉल इन डिपेंडेंसी रेशियो एज वेल. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस आर्टिकल का. अगर कोई पहले नज़र में देखे तो वो सोचेगा कि डिपेंडेंसी रेशियो तो बढ़ना चाहिए बिकॉज अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे और उससे क्या होगा ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है. बट ऐसा नहीं है. इंडिया के केस में ऐसा नहीं होगा. ऐसा क्यों है बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 60s 70s के बाद से बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हुए बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना नहीं था. सो 90s में 2000 में अभी समय पर जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और वो यूथ पॉपुलेशन का ज़्यादा है और उसके बाद अगर फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो उससे क्या होगा जो बच्चे हैं वो कम है इसका मतलब जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन बिकॉज डिपेंडेंसी पॉपुलेशन सिर्फ ओल्ड एज लोग नहीं होते हैं उसमें चिल्ड्रंस भी होते हैं डिपेंडेंसी पॉपुलेशन में 0-15 ईयर्स के लोग. तो अगर वो बच्चे कम हैं तो डिपेंडेंसी रेशियो हमारा कम हुआ है. बट राइटर ने ये भी बात किया है कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा. ये कुछ समय तक ही सस्टेन करेगा क्योंकि कुछ समय के बाद क्या होगा इंडिया का क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छा हो गया है तो ओल्ड एज पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है और उसकी वजह से क्या होगा हमारा डिपेंडेंसी रेशियो आफ्टर 2060 वो बढ़ जाएगा और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है. तो डिपेंडेंसी रेशियो कम होने का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू हैव लार्जर शेयर ऑफ वर्किंग एडल्ट फॉर आर इकोनॉमी. एज आई मैंशन की जो
यूथ है वो ज्यादा है हमारी कंट्री में, इंडिया का जो डेमोग्राफी है वो अभी पॉजिटिव उसमें है, और हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी में जो वर्किंग एडल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा है, विच कैन हेल्प टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ऑल्सो इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी. हाउ, ये राइटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा आपके यूपीएससी यू नो मेंस में. इफ देर विल बी अ क्वेश्चन समथिंग रिलेटेड टू इट दैट हाउ यू नो इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कैन हेल्प द कंट्री टू फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है, यू कैन सी देर विल बी मोर कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन पर कैपिटल टर्म्स. इसका मतलब है जब लोग कम हैं, when children are less, तो उन्हीं लोगों के लिए जो हमारा कैपिटल है, रिसोर्सेज है, वो ज़्यादा हो जाएगा. एंड दैट कैन हेल्प टू बिल्ड मोर स्किल्स, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. कई राइटर ये भी बोलते हैं कि जो लेबर का लेबर है वो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलता है. Also, we are going to have more resources for education and skill development. So definitely, which is really important for a country's economic growth. अगर हम अपनी population को better skilled, better education provide कर पाते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि you know they can contribute in economy. Obviously, increasing proportion of labor force in the population. जब you know TFR low हुआ है और जो हमारे youth हैं उनका जो number है वो काफ़ी ज़्यादा है, so उनका जो proportion है हमारी labor force में वो ज़्यादा हो जाएगा because we are providing them skills and education. Alright, but at the same time as we have discussed, writer ने भी ये बात बोला है कि ये variation है across the state. फॉर एग्जाम्पल यूपी और बिहार में आपको फर्टिलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में या फिर हिमाचल प्रदेश में फर्टिलिटी रेट इज वेरी लो. सो ये अनइवन है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म इन एवरी स्टेट्स. यहाँ पे भी इसी एग्जाम्पल से समझाया गया कैसे यू नो व्हेन द टीएफआर इज लो, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो कैसे हम ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल केरला में ऐसा ही हुआ है, जो यू नो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन रिसोर्सेज है वो बेटर कर पाई है गवर्नमेंट, इसलिए वहाँ पे एनरोलमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज वहाँ पे TFR लो हो गया था. बट द थिंग इज, जो राइटर इस आर्टिकल में आगे पॉइंट आउट करते हैं, ये तो ठीक है कि हमने प्राइमरी लेवल में एनरोलमेंट लेवल बहुत अच्छा कर लिया, बट इट व्हेन इट कम्स टू मिडिल एंड हायर एजुकेशन देर इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू वर्क ऑन इट. एंड कई रिपोर्ट ये हाईलाइट करती हैं दैट यू नो देर इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया रिलेटेड टू the higher education or middle education. For example, ACER report ne highlight kiya tha 2021 mein that you know 5th class ke jo students hain wo 2nd class ki math problem solve nahi kar pate hain, ya fir 8th class ke students 4th ya 3rd class ki english nahi pad pate hain. That is the which shows that there is a problem in the higher education. Ek aur study ke bare mein aapne zarur suna hoga jahan pe baat kara jata hai ki you know almost 70% of the engineers who are graduated in our country, they're not able to be employed, unko proper jobs nahi milta. Ye bhi ek bahut bada problem ka problem dikhata hai hamari country mein ki quality of education kis tarike ka hai. So ye sab problem hai jo hame address karna hai in the long term, right? और ये सभी पॉइंट आप अपने मेंस के क्वेश्चन में अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन गिव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू योर आंसर. ऑलराइट, लेट्स गो फॉरवर्ड. यस, सो हमने भी बात कर लिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में. यस, इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होने की वजह से वी आर इन अ पॉजिटिव टर्म्स, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यू नो हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि इसके लिए प्रिपेयर करना अभी से बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, बाद में क्या होने वाला है, इंडिया में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी. 2050 से ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो डिपेंडेंस पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगेगी, बिकॉज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा नहीं रहेगा हमारे पास. कभी ना कभी ये जो यूथफुल पॉपुलेशन है ये भी ओल्ड होगी, और बिकॉज TFR लो हो गया है, इसको इस तरीके समझिए, TFR क्योंकि अब लो हो चुका है, तो उससे क्या होगा, जो नई पॉपुलेशन है, जो नए चिल्ड्रंस है, वो ज्यादा बॉर्न नहीं हो रहे हैं. उससे क्या होगा हमारे पास कि यूथफुल पॉपुलेशन जो है 2050 से वो भी कम होने लगेगी. बट बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो भी हमारा है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ गया है, उसकी वजह से जो हमारा ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसमें आपको राइज देखने को मिलेगा.
सो दैट कैन बी अ चैलेंज फॉर बिकॉज जब डिपेंडेंसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं होता. इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जापान में, जहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखोगे कि इतना ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी नेगेटिव में भी जाता है. फिर एंड ऑल्सो इन यूरोपियन इकोनॉमीज, चाइना में भी ये प्रॉब्लम अभी होने वाला है. आप सभी को पता होगा कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से सेम थिंग वहाँ पे हुआ, TFR बहुत लो चला गया, और अभी ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी. एंड ऑल्सो वहाँ पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है. सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहीं पर कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ हमारी कंट्री में स्किल्ड वर्कफोर्स थोड़ा कम है, और फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारी पॉलिसी मेकर्स फेस करते हैं. उससे क्या होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन इनफॉर्मल सेक्टर, सो उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी जैसा बेनिफिट नहीं होता है. आप खुद ही सोचिए, जो ये लोग यू नो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, बाद में उनके पास कोई ऐसा यू नो पेंशन स्कीम नहीं है, अगर बाद में उनके पास पैसा नहीं रहता तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम. ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, वी आर नॉट लाइक अर्लियर. जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियराइज. उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप सभी को पता होगा कि जैसे US में होता है, जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो हैपनिंग इन इंडिया. सो उन लोगों के लिए देर शुड बी अ मैकेनिज्म फॉर सोशल सिक्योरिटी. USA में तो सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो ओल्ड एज पॉपुलेशन, जो रिटायर्ड पॉपुलेशन, उनको सोशल सिक्योरिटी देती है. बट इंडिया में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें वर्क करना है. सो आई होप इस आर्टिकल से आपको काफ़ी डायमेंशन समझ में आए होंगे अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस विच may arrive in the future and the holistic understanding of the demographic dividend of India. All right, let's move to the another article which was there in the Hindu. So before beginning this article, I just want to highlight that you know aap sabhi jo political science ke students honge aapko idea hoga ki you know political science mein ek debate chalta hai ki क्या पॉलिटिकल साइंस में साइंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए या फिर थ्योरी का या फिलॉसफी का. सो यू नो यही डिबेट चल रहा था 1960s में. डेविड ईस्टन जैसे थिंकर ने बोला कि पॉलिटिक्स को एक साइंस की तरह देखना चाहिए, बिकॉज जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें लोग सिर्फ ये बात या फिर जो फिलॉसफर्स थे वो ये बात करते थे कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, ना कि ऐसी बात करते थे कि हमारा समाज कैसा है. सो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें पॉलिटिक्स को स्टडी करना चाहिए और उससे सॉल्यूशंस फाइंड करने चाहिए, ये बात किया गया. बट हम देखते हैं 1970s की बात से, और खुद डेविड ईस्टन ने ये माना कि जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात किया गया था पॉलिटिकल साइंस में, वो उतना सही साबित नहीं हुआ. होता क्या है, USA में यू नो USA वॉज एंगेज इन वियतनाम वॉर, USA में ब्लैक राइट्स मूवमेंट हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो बिहेवियरलिस्ट जो थे, जो साइंटिफिक एम्पिरिसिस्ट थे, वो उसको स्टडी ही नहीं कर पाए, और दिस प्रॉब्लम्स वर रियली न्यू फॉर देम. तब बात करते हैं, तब कुछ थिंकर्स आते हैं, यू नो जॉन रॉल्स, हाना आरेंट इन द वेस्टर्न फिलॉसफी, वो बात करते हैं कि फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिक्स में और इन अ ह्यूमन सोसाइटी. फिलॉसफी का क्या रोल है, फिलॉसफी यू नो काइंड ऑफ प्रेजेंट्स अस एन आइडियल फॉर्म ऑफ समथिंग. फॉर एग्जांपल हमें एक रास्ता दिखाती है कि हमें कहाँ जाना है, वो ये नहीं बताती कि हम ये कर लेंगे, बट वो हमें एक रास्ता दिखाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर PSI के स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हैं, सो आप सभी ने प्लेटो को पढ़ा होगा. प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट में बताया कि किस तरीके का सोसाइटी होना चाहिए, एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना है जहाँ पर जो सारे लोग हैं they have to work as per their natural attribute. आजकल के समय में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कोई ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जो कि इनको पसंद नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि दे आर इन एन इंजीनियरिंग जॉब, बट यू नो दे डोंट फील अलाइव इन दैट जॉब. 9 to 5 की जो जॉब होती है उनको अच्छा नहीं लगता, यू नो दे हैव सम अदर इंटरेस्ट. ऐसा हम सभी के साथ होता है, हम बचपन से किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है बट उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता. सोसाइटी फोर्सेज द स्टूडेंट टू परस्यू यू नो एजुकेशन, और वो वहाँ पर उतना अच्छा नहीं कर पाते. इसका एक और एग्जाम्पल हम अभी कोटा में बहुत सारे बच्चों की सुसाइड से रिलेटेड भी देखते हैं. कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जो डायरेक्टली हमें दिखाते हैं कि वो बच्चे हैं जो कि वहाँ चले जाते हैं बट उनका एजुकेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, और वो उस कॉम्पिटिशन में फंस जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑफ इट. सो
दैट्स व्हाई इस आर्टिकल में मैंने ये आपको बात क्यों बताया, इस आर्टिकल में फिलोसफिकल टर्म्स में बात किया गया है कि जो हम आजकल के समय में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, प्रॉब्लम्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, प्रॉब्लम्स सच एज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, उसमें ऑथर ने एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है और उन्होंने बोला है कि एक सिस्टम अप्रोच यूज करना चाहिए टू सॉल्व आर प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको देगा फॉर योर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन. सो समझते हैं इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या बात किया. पहले वो हाईलाइट करते हैं कि आजकल के समय में देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर हैपनिंग इन आर कंट्री. अगर हम इंडिया की बात करें फिर वर्ल्ड की भी बात कर सकते हैं. यू नो देर इज rising inequalities and it has been mentioned by many of the reports such as Oxfam report jo batati hai ki the gap between the rich and the poor is increasing, right? Ek Oxfam ki report ne ye bataya tha ki in India you know 1% of the population has more than 50% of the wealth, which is quite alarming because jo bottom 70% hai unke paas 10% wealth hi hai. And also COVID-19 ke baad hum sabhi ko pata hai ki इस इनइक्वालिटी में और ज़्यादा जो गैप है वो बढ़ गया है बिकॉज रिच हैज़ बिकम रिचर एंड द पुअर हैज़ बिकम मोर पुअर. सो द कंडीशंस हैड डिटेरियोरेटेड, यही ऑथर ने हाईलाइट किया है. और ऑल्सो यू नो अगर हम वर्ल्ड में अगर बात करें ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में तो हम देख रहे हैं कि आजकल के समय में इन मेनी प्लेसेस स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज जो लिविंग कंडीशन है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है स्पेशली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. हम देख रहे हैं कि इंडिया की बहुत सारी सिटीज़, अभी जो रिपोर्ट आया था उसने बताया है कि इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ जो हैं दे आर यू नो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द इंटायर वर्ल्ड. उसी में साउथ एशिया की पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी काफ़ी सिटीज़ थी. सो जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे. यू नो हम सभी को पता है कि कितनी रिपोर्ट्स हर साल आती हैं और बताती हैं कि दिल्ली में या फिर इंडिया की कई सिटीज़ में पॉल्यूशन से कितने लोगों की डेथ हो जाती है. डिप्लीशन ऑफ वाटर रिजर्व इज ऑल्सो वन थिंग. बैंगलोर में जो अभी वाटर क्राइसिस चल रहा है वो हम सभी को पता है कि वहाँ पे एकदम से वाटर का शॉर्टेज कितना जल्दी हो गया है और जो यू नो अनप्लान डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे विदाउट कंसिडरिंग दी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और जस्ट यू नो सीइंग अ यूनिडाइमेंशनल अप्रोच. एक यूनिडाइमेंशनल अप्रोच को रखने से क्या नेगेटिव कंसिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, ये राइटर इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं. Let's move forward. So, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ऑथर बताते हैं कि हमें इन सभी को एक यूनिडाइमेंशनल अप्रोच से नहीं देखना चाहिए कि हर चीज को फ्रेगमेंट्स में बांट देना और सिर्फ एक ही तरीके से देखना. ऑथर बात करते हैं कि जब नेचुरल साइंसेस का इवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने बोला कि देर शुड बी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. मतलब अगर कोई भी फैक्ट्री है या फिर कोई भी कंट्री है उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. जैसे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करेंगे. जो नेचुरल साइंटिस्ट है अगर कोई फिजिसिस्ट है तो वो फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ही स्टडी करेगा. दे नॉट गोइंग टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. ये एक बड़ा प्रॉब्लम था हमारी सोसाइटी में. यही राइटर ने बोला दैट यू नो सोशल मेडिकल नेचुरल साइंसेज आर वर्किंग इन साइलोस एंड फ्रेगमेंटेड. जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो साइंस को नहीं समझ रहे हैं और जो नेचुरल साइंटिस्ट हैं दे नॉट थिंकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑथर देते हैं कि यू नो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं और उसके लिए वो बोलते हैं कि हमें फैक्ट्रीज में या फिर वो इंडस्ट्रीज को बंद करना होगा जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन करती है. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दी लाइवलीहुड ऑफ द पीपल हु विच इज़ गोइंग टू लॉस्ट रिलेटेड टू दैट. So, which is also a concerning thing. So, इसी के बारे में author बात करते हैं. author ये भी बताते हैं कि there is no objective reality. अगर कोई भी हम पहलू को देखें तो उसका कोई एक ही मतलब नहीं होता है. उसके हमें अलग अलग dimensions से उसके बारे में सोचना पड़ेगा. Alright, let's move forward. हाँ, और फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के भी बारे में बात किया. हम सभी को पता है कि वी आर लिविंग इन अ न्यू लिबरल एरा. जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया है बाय द अमेरिकन सिस्टम अमेरिका. वी हैव सीन कि यहाँ पे बात किया जाता है कि देर शुड बी फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स विच शुड प्रिवेल और ये सब फोर्स किया जाता है थ्रू यू नो इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. एंड बोला जाता है कि गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए इन द इकोनॉमी. ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को यू नो
सारा काम बिजनेसेस एंड वो सब प्राइवेट हाथों में होना चाहिए. सो ये बात सच है कि इसके थ्रू वी हैव सीन द वर्ल्ड हैज सीन इमेंस ग्रोथ, बट यू नो इट शुड बी रियली बैड इफ वी आर गोइंग टू इग्नोर द नेगेटिव साइड ऑफ इट. अगर हम जो नेगेटिव चीजें उसकी हुई है, जो कि हमने अभी बात भी किया था कि ऑक्सफैम रिपोर्ट हाईलाइट करते हैं कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है पूरे वर्ल्ड में, और या फिर वेमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन जो ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ है सोसाइटीज़ में, और या फिर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग यू बात करते हैं एशियन वैल्यू डिबेट की कि जो एशियन वैल्यूज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वैल्यूज एंड वी हैव टू थिंक इन दैट मैनर इफ वी हैव टू क्रिएट पॉलिसीज इन एशिया, उसकी भी बात करते हैं. वो सब इग्नोर होता है. और आप इंडिया में भी देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद डेफिनेटली वेल्थ में इंक्रीज हुआ बट इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ा. सो यही राइटर बोल रहे हैं कि हमें एक फ्रेगमेंटेड व्यू में नहीं बट वी हैव टू लुक अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव. हमें हर पहलू को देखना है एंड वी हैव टू क्रिएट एंड सी इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप इस चीज़ से समझिए, अगर हमें सॉल्व करना है विलेज में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में, सो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम मिड डे मील को कनेक्ट कर दें फार्मिंग से. फार्मर्स का प्रॉब्लम भी होता है, फार्मर्स की अगर हमें इनकम रेज करवाना है तो हम फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें उन चीज़ों को ग्रो करने के लिए जो कि न्यूट्रिशियस हो. फॉर एग्जांपल मिलेट्स, गवर्नमेंट मिलेट्स पे भी आजकल काफ़ी फोकस करें, हम मिलेट्स पर फोकस करें, मिलेट्स का को ग्रो करवाएं और वही ग्रो करवाए हुआ मिलेट्स स्टूडेंट को सर्व किया जाए इन मिड डे मील. दैट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. उससे फार्मर्स का इनकम भी बढ़ सकता है, स्टूडेंट्स का डेफिनेटली पार्टिसिपेशन इन स्कूल बढ़ेगा और न्यूट्रिशन लेवल भी इंक्रीज हो सकता है. We have already discussed this thing. और यहाँ पे बहुत ही important concept को author बता रहे हैं कि rather than just specialized scientists focus on parts, a higher level science should focus on, you know, author is talking about a system approach. What is that? So he is talking about three system. इसको जरा ध्यान से समझिए. System being, system thinking, system acting. So what that means is system being is first of all we have to bring humility. हमें एक एक तरीके की ह्यूमिलिटी लानी हर प्रॉब्लम को देखते हुए. जो भी पॉलिसी मेकर्स वर्क कर रहे हैं उनको ये जानना है कि कोई भी जो प्रोफेशन है वो किसी से ऊपर नहीं है, सारे प्रोफेशन बराबर है. अगर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहा है या कोई इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी को स्टडी कर रहा है, उनका रोल समाज में इक्वल है. देन ऑथर एक बात करते हैं कि सिस्टम थिंकिंग इन विच वी हैव टू थिंक लाइक हेजॉग एंड द फॉक्स. ये एक ओल्ड ग्रीक सेइंग है जो बताता है कि हेजॉग इज समवन इज एन एनिमल जो कि सिर्फ एक यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव से सोचता है, विच थिंक अबाउट स्पेशलाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. बट फॉक्स सीज थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ही इज वेरी वाइज, हिंदी में चतुर जिसे बोला जाता है, और वो चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव देखता है. तो हमें दोनों ही चीज़ों को देखना है, दोनों ही चीज़ों को देखना है. हमें स्पेशलाइजेशन भी देखना है बट हमें होलिस्टिक तरीके से भी सॉल्यूशंस को समझना है. जैसे कि हमने बात करा, अगर हमें चाइल्ड न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है विलेजेस में, इसको डेफिनेटली यू नो सॉल्व किया. और भी बहुत सारे तरीके हैं. वी कैन ऑल्सो यू नो एम्पावर वीमेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन. अगर हमने बहुत स्टडीज़ में ऐसा पता लगा है कि अगर हम वीमेन को ज़्यादा एजुकेटेड करते हैं या फिर उनको वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता है, डेफिनेटली पूरी फैमिली का एंड स्पेशली चिल्ड्रन उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. बिकॉज यू नो चिल्ड्रन आर मोर अटैच टूवर्ड्स द मदर रादर देन द फादर. सो दिस इज द थिंग, हमें हेजॉग और फॉक्स की तरह देखना है. एंड सिस्टम एक्टिंग, तो जो जब एक्ट करें सो सॉल्यूशन शुड बेनिफिट ऑल. ऐसा नहीं कि वो कुछ ही लोगों को बेनिफिट दे. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे. अगर यू नो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसीज बनाती है, फॉर एग्जाम्पल आरसेप का जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है 2-3 साल पहले कि इंडिया को क्या आरसेप ज्वाइन करना चाहिए नहीं, इस पर देर इट्स अ डिबेटेबल इशू, डिफरेंट व्यूज़ हैं लोगों के. बट गवर्नमेंट हैज सीन द लार्जर पिक्चर. अगर आरसेप में हम ज्वाइन करते डेफिनेटली इट कुड हैव बूस्टेड आवर इकॉनमी, हमें ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलता. बट देयर वाज आल्सो अ पर्सपेक्टिव दैट हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता था. इफ वी कुड हैव वी वुड हैव इम्पोर्टेड चीप डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. सो दैट्स द पॉइंट, हमें ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है जो कि सबको बेनिफिट करें, नॉट ओनली फॉर द फ्यू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी.
ऑल्सो जो हमने अभी फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स की बात किया है, यू नो विच इज बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, देर शुड बी अ फेयर कॉम्पिटिशन, वाई नॉट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वाई नॉट टू थिंक अबाउट कॉपरेशन सच एज विच हैपन्स इन फैमिली, वाई नॉट टू क्रिएट दीज वैल्यूज अमंग द सिटीजंस. आप देखेंगे फैमिली में, हम सभी की फैमिली में जो मेम्बर्स हैं वो बहुत अलग हैं. देर आर मेम्बर्स ऑफ फ्रॉम डिफरेंट जेंडर, यू नो डिफरेंट कैपेसिटी, जो फादर हैं, बच्चे हैं, मदर हैं, वो सब अलग कैपेसिटीज के होते हैं, बट दे ऑल कॉपरेट टू लिव अ हैप्पी लाइफ. सो दैट्स वाई राइटर कहीं ना कहीं एनालॉजी दे रहे हैं कि हमें सोसाइटी को भी एक फैमिली की तरह ही देखना चाहिए और उसको फ्रेगमेंट्स में नहीं बांटना चाहिए. सभी मेंबर्स को डिस्पाइट देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज दे हैव टू कॉपरेट एंड दे हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द ओवरऑल बेनिफिट और ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी. और डेफिनेटली अगर यूपीएससी के मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है एंड फॉर अ सिविल सर्वेंट, फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव and to come up with a solution. That's why this article can help you to write better answers. इसलिए बोला जाता है कि newspaper ध्यान से पढ़ना चाहिए and it can really enhance your perspective towards different issues which are happening in our society. All right, let's move forward. Also at last में author recognize करते हैं the role of care economy. Author बात करते हैं कि you know इस capitalist world में या फिर जो ये free market economics है, इसमें males जो बात करते हैं कि females को you know kind of जज करते हैं कि फीमेल्स को भी मेल्स की तरह you know act करना चाहिए, they have to come in the labor force, they have to come at par with the males. But there's also other side, we have to recognize the role of the care economy. जो केयर इकोनॉमी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बोलते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई करा कि फीमेल्स जो घर में काम करती हैं दैट इज़ ऑल्सो रियली हार्ड. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कहीं ऐसी जगह पे जो ड्रॉट प्रोन रीजन है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे फीमेल्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में फीमेल्स को बहुत बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है फॉर द फैमिली मेम्बर्स और वो इतना ईजी नहीं होता है. So females are equally contributing in you know especially in the care economy. So usko recognize karne ki zarurat hai aur usi ko reflect karne ki zarurat hai and also to incorporate those thing in policy making. Hame wo care economy jo care you know jo ek tarike ki value hai usko apni policy making aur jo policy implementation hai usme dalne ki bahut zyada zarurat hai. Tabhi hum ek you know aajkal ke samay mein jo ye problems face kar rahe hain such as climate change or inequality, hum in cheezon ko proper tarike se solve kar payenge. As we all know, women are natural family builders, and as we have mentioned about the familial values which are important for building a better society. So man or the policy maker, especially because you know males are dominating in policy making arena, they should learn the caring ways of women for making a better world, and that's what author is arguing. I hope aapko dono hi article samajh mein aaye honge aur इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट योर व्यूज कि आपका व्यू क्या है इन टॉपिक्स से रिलेटेड एंड हाउ यू कैन यूज दीज पर्सपेक्टिव दीज आइडियाज इन टू योर यू नो आंसर राइटिंग फॉर द यूपीएससी. ऑलराइट, थैंक यू फॉर टुडे.